वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से वैकेंसी आई है, लेकिन जॉब लोकेशन मुंबई है। यानी मुंबई में जो मेट्रो है उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए इनको चाहिए। तो एक तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है और दूसरी ITI वाले के लिए, तो करीब करीब हर ब्रांच के लिए वैकेंसी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा जॉब डिटेल्स बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। तो डिटेल्स स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। तो पहले जो मैं बता देता हूँ, ये डिप्लोमा वाले के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। तो ये इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ये वैकेंसी होगा, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट में एक बार चले जाने के बाद रेगुलर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये देखिए लाइन 3 है, जिसे एक्वा लाइन भी बोलते हैं, लाइन 3 के लिए ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 1/9/2023 के हिसाब से चाहिए। इसमें आप 2021 या 2022 या 2023, ये तीनों में से किसी भी साल के पास आउट होने चाहिए और मिनिमम 60% फाइनल ईयर का जो मार्क्स है वो होना चाहिए। और जो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, इस रीजन में से कहीं से भी चाहिए। यानी इनका कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से डिप्लोमा किए हुए होने चाहिए और 60% मार्क है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला में ये इनमें सुपरवाइजर पोस्ट तीन तरह के हैं। तो पहला जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, दूसरा में है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और तो दूसरा इनके लिए है, और तीसरा में रेगुलर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी सिविल वाले और जो ये ऊपर में दोनों में किसी में नहीं आए मैकेनिकल और हैं, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मतलब ये डिप्लोमा हर ब्रांच के लिए एप्लीकेशन है। और जो एज लिमिट है 18 से 33 साल है जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो आपका सैलरी है या आपका बेसिक टोटल जो कॉस्ट है 37,000 रुपये 37,000 पर मंथ मिलेगा। और फिर सिलेक्शन प्रोसेस है, एक तो स्क्रीनिंग लिखते हैं यानी इंटरव्यू बुला करके लेंगे, और दूसरा जो आपका फाइनल ईयर का मार्क्स है उस पर भी ये एक इम्पैनलमेंट करेंगे। तो उसमें आपका अगर ऊपर आता है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो इनिशियली 2 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे और फिर बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है, तो अब अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले ये ITI वालों का जो है वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या ये आया है। तो ITI के लिए जो बेसिक चीज़ है वही है, 1/9/2023 से एज कैलकुलेशन होगा, और उसमें 18 से 33 साल है जनरल के लिए, SC ST OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट का, यानी SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें भी इनके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो ITI हैं वहाँ से उत्तीर्ण होने चाहिए, 2021 का, 2022 का या 2023 का, यानी फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप डिप्लोमा हैं तो डिप्लोमा वाले में अप्लाई करें और ITI की हैं तो ITI वाले में अप्लाई करें। तो इसमें भी है मेट्रिकुलेशन या 12वीं, और जो ITI है तो एक इलेक्ट्रीशियन में, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए एक कैटेगरी बनाया है, और फिर रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक के लिए दूसरा कैटेगरी है, और तीसरा कैटेगरी में करीब करीब सब है। इसमें है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, IT और सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एंड TV मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये 3 तरह के इसमें भी इन्होंने बनाए हैं।
तो इसमें सैलरी कम रखा है, वो डिप्लोमा वाले के लिए 37 था तो इसमें 27,000 पर मंथ लिखा है। और जो सिलेक्शन होगा 3 साल के लिए होगा इनिशियल में, और फिर जैसा भी गवर्नमेंट का होगा रोल वो आपको मानना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा, एक तो स्क्रीनिंग होगा, फिर दूसरा जो आप मार्क्स बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये है, अब अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा आपको, उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये वेबसाइट खुलेगा। अब इस वेबसाइट पे आपको ईमेल आईडी भरना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो अगर आपके पास ये इस पे प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये सब आएगा, इंटर नेम, इंटर मोबाइल नंबर, इंटर ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, सिलेक्ट हिंट क्वेश्चन, इंटर आंसर है। तो ये सब जब भरेंगे तो आपका प्रोफाइल इस पे बन जाएगा। तो प्रोफाइल जब बनेगा तो आपको जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे और जो पासवर्ड आप देंगे तो वही पासवर्ड फिर उसमें होगा। तो उसमें फिर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड रहेगा इनका, जैसे जैसे वो आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई का डेट था, ये एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ये देखिए 1 सितंबर से ये चालू है और जो लास्ट डेट है आप अप्लाई करने का 15 सितंबर 2023 है। तो ये डेट ज़रूर ध्यान रखें, और बेहतर है कि आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दें। तो मैं समझता हूँ कि जो डिटेल्स मैं इस वीडियो में लाया था वो आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जो इस तरह का जॉब सर्च कर रहे हैं, और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।